हेलो दोस्तों, आज आपको त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये तो चैप्टर का नाम है, त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 है तो एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली यूपी बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी है, मैथमेटिक गणित एनसीईआरटी। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। एबी हमें कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना, मान हमारा क्या है, एक साइन ए और कोस ए, दूसरा दिया है साइन सी और कोस सी। चलिए तो हमें जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है हमें, एक त्रिभुज है एबीसी ट्रायंगल, उसमें हमें बी जो है वो 90 डिग्री का है, हमें दिया है बी समकोण है, समकोण। और ए बी जो है हमें दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया। और हमें फाइंड करना, हमें ज्ञात करना साइन ए और कोस ए, दूसरा है साइन सी और कोस सी, इनका हमें ना मान हमें ज्ञात करना। चलिए तो हमने चित्र बनाया है, ये बी हमें बोला है कि 90 डिग्री, ये जो बी है ये हमें 90 डिग्री का हमें दिया है कि बी जो वो 90 डिग्री का ही बनाना, ठीक है। और ए हमने ऊपर माना है और सी इसको ऐसे माना, तो आप चाहे सी इसको ए इसे मान लो या सी इसको मान लो, ठीक है। तो ए भी देखते हैं कितना दिया है, ए भी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें बी सी कितना दिया है, बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये हमें पता नहीं, इसको हमें क्या करना, फाइंड करना। तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये रहा कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब हम कर्ण निकालते हैं तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब हो जाता है। यदि बाय चांस आपको लंब, या पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो तो कर्ण होती है, और ये नीचे वाली होती है आधार और ये लंब, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हमें कर्ण निकालना हो तो आधार का स्क्वायर करने पड़ेगा और लंब का स्क्वायर करने पड़ेगा, जब जगह हमारा कर्ण निकलेगा। अगर हमें आधार निकालना हो तो क्या करने पड़ेगा, कर्ण में से बड़ी भुजा में से उसको माइनस करने पड़ेगा। आधार निकालना तो ऐसे लिखेंगे, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बड़ी वाली भुजा में से वो चीज़ माइनस कर देंगे। चलो तो करते हैं, पहले हम कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर और ए बी का, बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए सी हमें नहीं दिया है, इसको ऐसे लिख लो, और बी सी हमें कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर 7 7 49, ठीक है। और ए सी स्क्वायर प्लस 24, और 24 कितना होगा, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहीं पर,
फोर फोर जा 16 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 9 ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 तो ये आ जाएगा 6, और ये आएगा 5 और 7 और 6, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 7 6, और इसको प्लस कर लो 49 में, 49 को इसमें प्लस कर लो, 49 करते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा 15, 5 हासिल का 1, ये हो जाएगा 8 4 12 हासिल का 1, तो कितना हो जाएगा 625, तो इसको लिखते हैं 625 ठीक है। और ए सी का स्क्वायर, जब हम स्क्वायर हटाते हैं किसी चीज़ का तो वो रूट में चला जाता है, तो ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में ये पहुंच जाएगा 2625। अब इसका हमें पता है क्या होता है, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, यही तो होता है, 25 का डबल करेंगे तो ये 625 आएगा, तो इसको हमें पता है तो 25 आएगा 25 ए सी का ये आ गया, तो हमारा कर्ण जो आया है वो आया है 25। तो कर्ण कितना आया हमारा 25 सेंटीमीटर ठीक है। अब निकालते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये फर्स्ट में बोला था साइन ए और कोस ए, इनका हमें मान निकालना, तो इस चित्र से लिख लेगा, इस डायग्राम से ही मैंने डायग्राम बना रखा, आप भी डायग्राम बना लेना। देखो हमें निकालना साइन ए, सबसे पहले ये तो बात है कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंबटे कर्ण होता है ठीक है, साइन ए लंबटे कर्ण होता है, और कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण ठीक है, और टैन ए क्या होता है, टैन ए क्या होता है लंबटे आधार ठीक है, और जस्ट इसका ही उल्टा साइन का क्या होगा, साइन ए का क्या होगा कोसाइन के, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा कोस ए के, कोस ए का उल्टा क्या है सैके, सैके क्या लिखेंगे कर्ण अपॉन आधार, और टैन ए, टैन ए का उल्टा क्या है कोटे, कोटे क्या लिखेंगे आधार अपॉन लंब, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं यही चीज़ लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, याद करने की ट्रिक है इनका, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, कक्का के मतलब कर्ण, फिर के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, और हमें पता पहला क्या होता है लंबटे कर्ण क्या होता है साइन ए ठीक है। थीटा लिख सकते हो कोई ज़रूरी नहीं है, ए लिखा तो ये ए का मतलब वही होता है थीटा, थीटा के प्लेस पे ए आ गया, तो आधार बटे कर्ण क्या होगा कोस ए, और लंबटे आधार टैन ए ठीक है। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा साइन ए का क्या होता है कोसेक ए, और कोस ए, कोस ए क्या होगा उल्टा सैक ए, और टैन ए का क्या होता है कोटे, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। चलिए तो पहले वाले में बोला था हमें कि साइन ए और कोस ए का मान हमें फाइंड करना, तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए होता है हमारा क्या होता है साइन ए लंबटे कर्ण, तो एल अपॉन के लिख देना, एल अपॉन के ठीक है। अब देखते हैं डायग्राम से देखते हैं कि लंब कौन सा है के कौन सा है ठीक है। यह है डायग्राम, हमें दिया क्या है साइन ए, साइन ए थीटा दिया हमें साइन ए, तो ये वाला चीज ये, तो अब देखो इसके हिसाब से देखो आप कि लंब कौन सा है आधार कौन सा है। देखो मैं इसको पलट देता हूँ इस तरह से,
अब देखो, अब बताओ लंब कौन सा है, आधार कौन सा। लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण सेम ही रहेगा। तो साइन ए का क्या होगा, लंब बटे कर्ण है, तो लंब 7 है और कर्ण कितना 25, तो ये लिखते हैं। सेवन अपॉन 25, ठीक है, 25, ये आ गया साइन ए का। ऐसे ही कोस ए के लिए काटते हैं, तो कोस ए क्या होगा हमारा, ए आधार अपॉन कर्ण, ये तो होता है, इसको लिख लो आधार, इसको कर्ण, ठीक है। अब देखते हैं साइन ए, यही है। अब ए के लिए देखना, वही फाइंड करना हमें, क्या ए हमें क्या पता करना है, इसकी जो वैल्यू है थीटा क्या है हमारा, ए है। तो हमें ए इस तरह से देखना, देखो अब देखो क्या बन गया, आधार ये बन गया, लंबी ये बन गया, कर्ण ये है, कर्ण तो सेम ही रहेगा, आधार और लंब ये सब बस यही चेंज हो जाएगा, लेकिन वो होगा जब होगा जैसे तो आधार कितना है इसमें 7 है, ठीक है, आधार 7 है, आधार 24 है, और कर्ण कितना है 25, ये आ गया हमारा कोस ए का, ठीक है। साइन ए आ गया हमारा 7/25, ठीक है। अब निकालना हमें क्या, हमें निकालना है दूसरा साइन सी और कोस सी, ये निकालना। तो साइन सी क्या होता है, साइन सी, अब सी हमारा यहाँ क्या, थीटा प्लेस, पहले क्या था ए था, अब वो क्या हो गया सी, तो क्या था फॉर्मूला, क्या था इसका, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखते हैं सी के प्लेस पे, ये रहा सी, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला, तो इसके सामने वाला बचा लंब और ये आधार ये कर्ण, तो इसके सामने वाला बचा क्या है 24 है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो लंब कितना है 24, ठीक है, और कर्ण कितना है 25, ये आ गया साइन सी का। अब ऐसे ही निकालते हैं हम कोस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो देखते हैं आधार के कोण कितना है, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, लिख देते हैं यहीं पे 7/25, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, 7/25, और कोस ए की कितनी आई थी 24/25 सेंटीमीटर, और हमारे पास साइन सी यह आया था हमारा 24/25, और कोस सी आया था 7/25। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।